नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईएनएन भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिता। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। वोट लेने के लिए कोई पार्टी बड़े बड़े वादों से जनता को लुभाना चाह रही है, तो कोई जनता के सामने मानवीय संवेदनाओं की आड़ में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सियासी गेम खेल रही है। अब हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो उसी दिन का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने बहुत बड़े काफिले को रोक दिया था। इसके लिए हर कोई पीएम मोदी और बीजेपी की वाहवाही कर रहा था। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एम्बुलेंस पीएम मोदी की गाड़ी से आगे जाकर हॉस्पिटल जाने की बजाय झाड़ियों में चली जाती है। अब या तो हॉस्पिटल झाड़ियों में है या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने चुनावी माहौल में जनता को पप्पू बनाने का प्रयास किया, लेकिन काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अब जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि ऐसा एक नहीं कई वीडियो है जिनकी सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। इस पूरे सिचुएशन पर हमें एक गाना याद आ रहा है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने से प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की अच्छाइयों से तो पर्दा उठ ही चुका है। मानना पड़ेगा कि जनता के सामने पार्टी और प्रधानमंत्री जी को अच्छा साबित करने के लिए बीजेपी ने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था, पर प्रधानमंत्री जी का कैमरा प्रेम ही उन्हें ले डूबा। अब आप ही देखिए ना, अगर प्रधानमंत्री जी हर समय खुद पर कैमरा फोकस नहीं करवाते तो इस एम्बुलेंस की सच्चाई किसी को पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि ये वीडियो उसी कैमरे से रिकॉर्ड हो गया था जो उनकी गाड़ी में प्रधानमंत्री जी को कवर करने के लिए लगाया गया था। अब आप एक और वीडियो देखिए। धीरे धीरे गाड़ी चलती हुई, पीएम साहब की लाइट बंद है, पीछे बैठे हैं क्या? पीछे बैठे। ये तो आज गड़बड़ हो गया मामला। पांडे जी बहुत बढ़िया विजुअल भाई, आराम से शांत रहना भाई, शांत रहना। ये रहे देखो, इस वीडियो में आपने देखा और सुना कि अब मीडिया खुद ही प्रधानमंत्री जी के कैमरा प्रेमी होने का मजाक उड़ा रही है। ऐसे में हमें तो प्रधानमंत्री जी के कैमरा प्रेमी होने से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हजारों फोटो खिंचवाए, लेकिन हमारा बस उनसे एक ही सवाल है कि कैमरे की दुनिया के बाहर भी एक असल दुनिया है जिसमें वे हमारे देश के प्रधानमंत्री है। इसलिए हम उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर कब आप कैमरे से दूर होकर बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का समाधान करेंगे। इन दोनों वीडियो को देखकर इन पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जनता की राय हमारे लिए काफी महत्व रखती है। राजनीति से जुड़ी सही और सटीक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे बाकी वीडियो समय पर देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। नमस्कार।